लोग खल्ली से लिखते थे जमीन पर ओ नाम मा सिद्धं ओम नमः सिद्धं, तो उसको दहिना हाथ से ले करके अब माथा पर छाती में लगा लेते थे। माँ सरस्वती आप मेरे मस्तिष्क में और हृदय में रहिएगा, जब तक मैं रहूँगा आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन नमस्कार, मैं हूँ वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू किया है जीएस न्यूज। सरस्वती पूजा एक साधना है, मनोरंजन नहीं। आइए इस विषय पर खास मुलाकात में हमारे साथ हैं वरिष्ठ नागरिक परमेश्वर झा, आइए जानते हैं इनसे। और एक लंबा समय होता है सीनियर सिटीजन तक आने का, अपने अनुभव के आधार पर इनके मन में क्या चल रहा है और ये क्या हम सभी दर्शकों को यह बताना चाह रहे हैं। सर स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। सर आप आज का विषय है और जो है कि सरस्वती पूजा वो एक साधना है, मनोरंजन नहीं, इसके बारे में बताएं। सरस्वती पूजा की परंपरा आज से नहीं आदि काल से चली आ रही है जी। मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं जी। और अभी 87 साल मेरा जा रहा है जी। मैंने जो अपने अनुभव में देखा कि पहले सरस्वती पूजा में हम लोग स्कूल जाते थे, खल्ली लेके जाते थे और वहाँ पर लिखाते थे मास्टर साहब ओ नामा सिद्धं, इसका मतलब क्या होता था यह कोई नहीं जानता है। उसका था मतलब कि ओम नमः सिद्धं। हम लोग जो आज संकल्प ले रहे हैं या आज जो हम आए हैं यहाँ पर माँ सरस्वती के सामने में हाथ जोड़ करके, हाथ फैला करके जो ज्ञान और शिक्षा की भीख मांगते हैं वह दीजिए। और तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, बुराई से अच्छाई की ओर ले चलिए, है ना। तो यह चीज हम लोगों को करना है। सर एक चीज, एक सवाल था सर मेरा कि मतलब अभी जो सरस्वती पूजा कर रहे हैं युवा वर्ग हो, छात्र हो, छात्राएं हो, और पहले जो आप जिस समय थे उस समय होता था, क्या दोनों में अंतर है सर आपको लगता है? पहले की पूजा जो थी जी वह नेम निष्ठा श्रद्धा के साथ होती थी जी। यह हम लोग जानते हैं जी। लोग जो है सुबह का जो है नित्य कर्म से निवृत्त हो करके नया वस्त्र धारण करके वहाँ जाते थे और नतमस्तक हो करके ज्ञान की भिक्षा मांगते थे। लेकिन युग बदलते गया है ना, और अभी जो भारतीय संस्कृति की पद्धति चल गई है इसमें से बहुत परिवर्तन हो गया है। और आज हम लोग मूल रूप से सड़क को छोड़ करके गड्ढे में जा रहे हैं। पहले जो था पूजा किया, पूजा करके माँ सरस्वती, और जब हम लोग खल्ली से लिखते थे जमीन पर ओ नाम मा सिद्धं ओम नमः सिद्धं, तो उसको दहिना हाथ से ले करके अब माथा पर छाती में लगा लेते थे। माँ सरस्वती आप मेरे मस्तिष्क में और हृदय में रहिएगा, जब तक मैं रहूँगा आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन आज देखते हैं कि किताब कहाँ, कलम कहाँ और क्या कहाँ है ना। तो हमारा कहना है, मेरा कहना है कि कम से कम सरस्वती जी की जो हाथों में बीना है, बीना पुस्तक धारणी, तो बीना का क्या महत्व है ना, पुस्तक है उसका क्या महत्व है, स्फटिक माला है इसका क्या महत्व है, हंस है हंस का क्या महत्व है, इसको जानते हुए हम लोग उनके गुणों को आत्मसात करें और हम लोग बाह्याडंबर में कम जाएं और जो मूल चीज़ है उसको हम लोग पकड़े, बहुत अच्छा रहेगा। व्यवस्था है वो, शिक्षा भी काफ़ी उच्च स्तर का हो गया है, सभी तरह के परिवार के लोग और अपने अपने बच्चों को लोग शिक्षित कर रहे हैं, तो इस बीच में भी आडंबर तो हो है, लेकिन यह नवीनतम युग है, अभी 5G है, 4G और 5G चल रहा है सर, इस बीच में आप क्या उम्मीद करते हैं या क्या आप किस तरह की मतलब लोगों को जानकारी देना चाहते हैं या सलाह देना चाहते हैं जी? हाँ जी,
अभी के युग में जी। जो सरस्वती पूजा है जी। पूजा तो लोग करते हैं, कोई शक नहीं है इसमें जी। थोड़ा उसमें तन्मयता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए जी। और मेरा नेत्र और सरस्वती जी के नेत्र के बीच में एक लंबी रेखा बन जाए, है ना, तब जा करके होता है। या नहीं तो अगल बगल देखने से भी जो मन टूट जाता है। और माँ सरस्वती सब जानती हैं कि कौन आदमी एकाग्र चित्त से पूजा कर रहा है, उसी के पहले था। अब सुन लिया जाए, एक युग था जब हम लोग किताब कॉपी बाएं हाथ से छाती में लगा के ले जाते थे, है ना। इसका मतलब है कि विद्या देवी को हृदय से ग्रहण करना चाहते थे। और अब नया युग में बैग आ गया, किताब दे दिया, वह चला गया पीठ पर, तो विद्या पीछे चली गई और आगे लोग चला गया है। इसलिए विद्या पहले गुरु आश्रम में शिक्षा लेते थे, वहाँ क्या नीति नैतिकता है वह सिखाते थे। आरुणी का सवाल है वहाँ पर कि गुरु भक्ति के क्या काम था। अच्छा सर, एक चीज़, एक सवाल सर हमारा रहेगा कि आपने जिस तरह कहा कि पहले, तो पहले सर किताबों की भी संख्या कम थी, अब तो बोझा बन गया है, वजन भी काफ़ी अधिक है जी, पुस्तकों का भी वजन ज़्यादा हो गया है जी। जी एक समय था जब हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, एक कॉपी लेके जाते थे या नहीं तो कोई एक किताब, बाकी एक क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे उसको हम लोग नोट करते थे और वही ज्ञान लेकर के आते थे, उसको फिर रीराइट करते थे, दिखाते थे क्या बात है। लेकिन अभी युग बदल गया है, पहले यहाँ किताब की संख्या एक थी, वहाँ जो है 10 किलो का बोझा उसके पीठ पर पड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यह किताब जो है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि किसी भी स्कूल का शिक्षक एकाएक से 20 का 20 तक लिख कर के पढ़ के सुना ले, तब हम उसको साबस देंगे। नहीं नहीं सर, एक 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 चीज़ था, मतलब आपको लगता है कि पहले के जो शिक्षक थे और उनका पढ़ाने का तरीका था, अब मॉडर्न एजुकेशन है सर, टैब है, स्मार्ट क्लास है, अलग अलग तरह के जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, हर चीज़ डेवलप कर रहा है, आपको लग रहा है कि सर पहले से और अभी के दोनों में बहुत अंतर है, पढ़ाई के स्तर में भी, पढ़ाई के भी स्तर में अंतर है सर, आपको लगता है? सुना जाए जी, पहले की पढ़ाई में होता था जड़ को मजबूत करना जी। अभी हम लोग जानते हैं जी कि ग्रामर इज द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन सरकार ने अंग्रेजी में ग्रामर पोर्शन को उठा दिया है, यह बहुत अनर्थ हुआ है। कहे कि जब तक नींबे नहीं मजबूत होगी तो आगे क्या जाएगा, है ना, आडम्बर है, पहनना ओढ़ना खाना पीना सब इंग्लिश स्टाइल का है। लेकिन पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम इज फल्ला नहीं कहेगा, खाली नाम बोला राम किशोर, पूरा सेंटेंस नहीं कह सकता है। और अभी जो पढ़ाई हो रही है, बस्ते की पढ़ाई चल रही है, हाँ, दिमाग की पढ़ाई नहीं चल रही है, किताब की बोझ से। एक समय था कि लाल ये पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ित प्राप्त तो खोड़ से बरसे पुत्र मित्र बदाचरित। लेकिन पहले नियम था कि 5 साल उम्र होने के बाद बच्चे को स्कूल भेजते थे, क्योंकि ग्रेस्टिंग कैपेसिटी उनका बढ़े तभी जा कर के होता है। और अभी तो बच्चा जन्म लेता है, 2 साल का होता है और उसको स्कूल बैग लेके भेज देता है, ये बात बहुत गड़बड़ी बात है, एकदम से गलत काम है यह। आए जब हमको क्षमता लेने की नहीं है तो हम कुछ ले ही ले सकते हैं। वह इसी प्रकार होता है कि अगर किसी को कोई मनी ऑर्डर कर देता है, मनी ऑर्डर नहीं रिसीव होता है तो भेजने वाले के पास वापस हो जाता है, यही शिक्षा का दुर्गुण अभी चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ हम लोग बात कर रहे थे कि सरस्वती पूजा के बारे में, तो सर सरस्वती पूजा का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, और सर ऐसा कहा जाता है कि यह यूपी बिहार में ही ज़्यादातर होता है और सब राज्यों में होता है जी। जी माँ सरस्वती की पूजा सिर्फ बिहार बंगाल उड़ीसा में नहीं है, यह पूरे राष्ट्र में होता है और सम्मानजनक होता है। और पूजा
में कम से कम श्रद्धा भक्ति की भावना रहनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य लेकर के जो भी करते हैं वह सब ठीक है, लेकिन जहाँ तक है तन्मयता एकाग्रता वह होनी चाहिए जाकर के, तभी जाकर के कुछ होता है। जब हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो झुक करके ही लेते हैं, कड़ा होकर नहीं लेते हैं। हमारे बहुत ऐसे प्रतिनिधि सब हैं, एक समय होता है जब हमारे घर पर आते हैं क्या वोट लेने के लिए तो झुक जाते हैं, इसके बाद वो कड़े हो जाते हैं। उसी तरह से यह बात है कि जब हम जाएंगे किसी के पास कुछ लेने के लिए, अर्चना करेंगे, भीख मांगेंगे, हमको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तो दयालु होकर के वह कुछ ना कुछ देगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। साल में एक बार लोग करते हैं और एक बार करने के बाद फिर दूसरे साल करते हैं। इस बीच में जो सरस्वती के भक्त लोग हैं, पूजा करने वाले हैं, वे तन मन धन से पूजा तो करें ही, लेकिन एक आदर्श स्थापित करें जिसका जो संदेश समाज में जाए तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो अच्छा रहता है। और हम जो सरस्वती पूजा करते हैं इसका मतलब होता है कि हमें विद्या ददाति विनयम, नम्रता को धारण करना होगा, हठी नहीं करना होगा। और इसमें जो भी सरस्वती पूजा के बीच में गुण है उसको आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी यह सफल हो सकेगा। एक युग था जबकि 3 रुपया महीना शिक्षक को मिलता था और शिक्षक पूरी निष्ठा से बच्चे को घर से पकड़ के ले जा करके पढ़ाते थे। और वह भी जब इसके पहले भी था कि गुरु आश्रम में लोग भेज दिया करते थे और शिक्षोपरांत जो होता था यथाशक्ति उनकी पूजा अर्चना करके उनको दक्षिणा देते थे। लेकिन अब युग बदल गया है, अब जहाँ जाइएगा वहीं डोनेशन पाइएगा। सर एक चीज़, तब मेरा एक सवाल रहेगा सर कि जिस तरह आपने कहा कि डोनेशन, तो सर मतलब पढ़ाई भी तो सर काफ़ी खर्चीला होते जा रहा है, काफ़ी महंगा होते जा रहा है, लोगों को व्यवस्था भी चाहिए, आधुनिक व्यवस्थाएं आ गई है। जी हाँ, व्यवस्था में परिवर्तन तो ज़रूर हो गया है। जी सबसे पहले है जब खुद हम कुछ जानेंगे तभी उसकी हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अगर जानेंगे ही नहीं तो अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है। हमने देखा है किताब तो है, बच्चे ही विद्यार्थी ही परेशान नहीं है, शिक्षक भी उस किताब से परेशान है और अभिभावक भी परेशान, और अभिभावक तो ज़्यादा परेशान है ना। हाँ, उस पर भी हम लिखे हुए हैं, वह भी मेरे पास है। क्या बात है। तो आज जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं सीनियर सिटीजन परमेश्वर झा और आज का विषय है कि सरस्वती पूजा एक आराधना मनोरंजन नहीं। हाँ। सर अंत में कोई आम लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को आप कोई सलाह देना चाहेंगे, कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस तरह की? जी हाँ, कोई अपील करना चाहेंगे सर? हाँ, सरस्वती नहीं, नहीं। जी हम तो जितने भी लोग हैं माँ सरस्वती के भक्त, जितने भी लोग हैं जी, हम उनसे यही निवेदन करेंगे जी, कि कम से कम माँ सरस्वती को अपने से बड़ा समझिए और आप छोटा समझिए, छोटा समझ करके उनमें जो गुण है उस गुण को आत्मसात करने का कोशिश कीजिए। और पूजा के क्रम में इस तरह का प्रदर्शन आप कीजिए जो समाज में एक अच्छा संदेश जाए, ताकि लोग वो समझे कि नहीं पूजा किया तो इसमें से बहुत खूबी रही है जा करके। तो आज हमारे साथ सीनियर सिटीजन परमेश्वर झा और आज का विषय कि सरस्वती पूजा एक आराधना है, एक श्रद्धा। जीएस न्यूज भी आपसे अपील करता है कि धार्मिक कार्यों में आप बिल्कुल तन्मयता के साथ, तन मन धन से बिल्कुल जुड़कर पूजा पाठ करें। किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक आयोजन हो तो कम से कम एकाग्रता और मानसिक रूप से पूर्णतया तैयार होकर पूजा आराधना करें और ईश्वर ही एकमात्र उपाय है। ये सबों को पता है कि जिस तरह से लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में रहते हैं,
हैं, जो छात्र रहते हैं, जो अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी लगातार पढ़ाई पर लगातार उनका ध्यान पढ़ाई पर रहता है। तो आप लोगों से ये जीएस न्यूज़ भी अपील करता है कि किसी भी पूजा पाठ, किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन हो तो शांतिपूर्ण में प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ करें, किसी प्रकार का हुड़दंग ना करें, क्योंकि यह हमारा धार्मिक त्यौहार है। हम इसे कैसे मनाते हैं, कैसे पूजा आराधना करते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। तो आज के इस खास विषय में सीनियर सिटीजन परमेश्वर झा के साथ मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़।